सर्वप्रथम मैं यहाँ पावन प्रयाग की धरती पर स्थित इस गौरवशाली विश्वविद्यालय छात्र संघ के भवन से मैं शहीद लाल पद्मधर जी को क्रांतिकारी प्रणाम अर्पित करता हूँ और छात्र हितों के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वर्गीय श्री सोमनाथ सिंह जी और कमलेश तिवारी जी और हमारे बड़े भाई केडी सिंह जी को मैं अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों यहाँ पर उपस्थित बिल्कुल न भगाएं, बिल्कुल न आपकी अदालत यहाँ पर उपस्थित ये आप सभी गुरुजनों को और यहाँ पर उपस्थित मंचा सिंह सभी पदाधिकारियों को मैं सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ और अपनी बात की शुरुआत करता हूँ उन परंपरागत मुद्दों से हटकर विश्वविद्यालय के जिन मुद्दों से आप उब चुके हैं सुनते सुनते। साथियों आपका हमारा वास्तविक मुद्दा है क्या, यहाँ पर हमारा आपका वास्तविक मुद्दा है अध्ययन कार्य, जिस अध्ययन कार्य को हम आप एक डेलीगेसी का छात्र एक हॉस्टल का छात्र कमरे में 47 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में बैठकर एक तपस्या करता है और तैयारी करता है इस उम्मीद के साथ कि मैं आईएएस पीसीएस बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा और समाज का प्रतिनिधित्व तो करूंगा, लेकिन कुछ अराजक तत्व नीतियों द्वारा उन काबिलियत को उन काबिल लोगों को दरकिनार किया जाता है। यहाँ लोगों से मैं एक अनुरोध और निवेदन करने आया हूँ कि हमारी आपकी वास्तविक समस्याओं पर किसी छात्र नेता ने आज तक कार्य नहीं किया। हमारा आपका अगर वास्तविक समस्या उठा है तो व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रतिपूर्ति है तो उसको उन मुद्दों को दबा दिया गया। साथियों एक मामला हमारे आपकी डेलीगेसी में होता है और लोग बुनाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। जरा उस बघाड़ा की डेलीगेसी से पूछ ले, उस छात्र से पूछ ले जिसको मकान मालिक के द्वारा पीटा जाता है और आपका भाई वहां पर जाता है, उसका इलाज करवाता है और उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज करवाता है और उसका सिला क्या मिलता है राजनीति करने वालों के माध्यम से, 9 धाराओं में मुकदमा। साथियों आज हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में आए हैं तो सिर्फ इसलिए कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपसे अपना विचार साझा करने आया हूँ। विचार ये है साथियों मेरे मन में कभी आईएएस पीसीएस बनने का ख्याल नहीं आया बचपन से, अगर ख्याल आया तो सिर्फ नेतृत्व करने का, नेता बनने का। मुझे लगा कि साथियों आप इतने योग्य हैं, आप इतने बुद्धिजीवी हैं कि आप उस समाज का प्रतिनिधित्व कर लेंगे जहां से एक युवा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग का विकास होता है, लेकिन साथियों उस वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करेगा जहां पर आपकी पद की गरिमा को पैरों तले रौंदा जाता है। साथियों रोज लोग सरकार की नीतियों की बात करते हैं, हमारी लड़ाई सरकार और एक ऐसे तंत्र से है, सिस्टम से है जो वहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। साथियों लोक सेवा आयोग का मुद्दा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का मुद्दा, पुलिस भर्ती धांधली का मुद्दा, साथियों आप लोग कभी उठा के देख लीजिए उनमें काबिलियत को दरकिनार किया गया है, काबिल लोगों को किनारे हटाया गया है। साथियों यही हमारे आपके ग्रामीण प्रदेश से हमारी बहनें छात्राएं अथक परिश्रम करने के बाद यहाँ एडमिशन लेने आती हैं और इसी विश्वविद्यालय में उनको आवासीय परिसर न मिल पाने के कारण डेलीगेसी में तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथियों हम आप लड़ेंगे एक ऐसे मुद्दे के साथ, एक ऐसे मुद्दे के लिए जो उन लोगों के पठन पाठन का अनुकूल माहौल तैयार कराए। विश्वविद्यालय में अराजकता के खिलाफ लड़ना है हमको, आपको एक ऐसी नीति बनानी है साथियों कि विश्वविद्यालय में जो विश्वविद्यालय ये गौरवमय विश्वविद्यालय अगर ऑल वर्ल्ड पूरे समूचे संसार में जाना जाता है तो अपने मेधावियों के कारण। आईएएस पीसीएस की फैक्ट्री के नाम पर साथियों विगत कुछ वर्षों से इस विश्वविद्यालय की गरिमा में गिरावट आई है। साथियों उसका कारण है यहाँ पर तथाकथित कुछ लोगों द्वारा गंदी राजनीति। मैं चाहता हूँ साथियों कि हमारे आपके माध्यम से एक ऐसा माहौल तैयार हो कि इस विश्वविद्यालय की गौरव और अस्मिता दोबारा मैं आप लोगों के सहयोग से स्थापित कर सकूं। साथियों और चाहता हूँ कि आप जैसे बड़े भाइयों का सहयोग और सुझाव मुझे मिले और मैं ये करके दिखा दूं कि मैं उन छात्र नेताओं की श्रेणी में नहीं जाना चाहता, मैं उन परंपरागत छात्र नेताओं की श्रेणी में नहीं बनना चाहता, मैं आपका भाई बनकर
इस विश्वविद्यालय में एक ऐसी नीति लाना चाहता हूं ताकि विश्वविद्यालय का नाम फिर से फख्र से आप बता सके, आपके भाई बता सके कि आप उस विश्वविद्यालय के अंग हैं, उस विश्वविद्यालय के हिस्सा हैं जिसके नाम पर विदेशों में इतिहास दर्ज है, जिसे लोग आईएएस पीसीएस की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज हमारे आपके बीच में वास्तविक मुद्दों की बात करने के लिए लोग आते हैं, मुद्दा गिनाने आते हैं। मेरे पास परंपरागत मुद्दे नहीं है साथियों, मेरे पास हमारे आपसे जमीन से जुड़े मुद्दे हैं। साथियों, मैंने यही हॉस्टल में 2 साल अपना बिताया, 3 साल मैं डेली जैसे में रहा। साथियों, मुझे पता है 10x12 के जब आप कमरों में बैठ के तपस्या करते हैं तो आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं दोस्तों, एक ऐसे परिवार से हो जहां सिर्फ 2 तारीख को पैसे को भेजने का वादा होता है और 10 तारीख हो जाती है, लेकिन कभी हमारे आपके कार्य को डिगा नहीं पाया हमारे आपके हौसलों को। साथियों, हमको आपको देखना है 30 तारीख को, आपका सबसे बड़ा अधिकार संवैधानिक मताधिकार है। आप इतने काबिल हैं, आप लोग इतने योग्य हैं, अपनी योग्यता के बल पर आप लोग दिखा दीजिए, काबिल कैंडिडेट चुनकर दिखा दीजिए कि विश्वविद्यालय की दशा सुधारने में आपका कितना बड़ा योगदान है। साथियों, आपके बीच में एक शेर के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूं, इल्जाम चाहे जो लगा लो मैं तो सच कहने का आदि हूं, इल्जाम चाहे जो लगा लो मैं तो सच कहने का आदि हूं, अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूं। साथियों, एक लाइन आपसे और बोलना चाहूंगा कि अगर छात्र में, आज छात्र राजनीति में हमारे आप में बीच में जाति वर्ण और धर्म के नाम पर छात्रों को क्यों बांटा जाता है, मेरे पास आज तक जितने लोग आए मैं उनके लिए खड़ा हुआ, लाठिया खाया, FIR लिया, सिर्फ इसलिए उनके लिए छात्र शब्द जुड़ा था। इस विश्वविद्यालय में छात्र ही मेरा धर्म है, छात्र ही मेरा ईमान है, छात्र ही मेरी नीति है। साथियों, छात्र होना ही मेरे लिए काफी है, छात्र मेरी जाति है, ना कि मैं व्यक्तिगत राजनीतिक जाति के आधार पर करने आया हूं। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि वर्ण और व्यवस्था के आधार पर आप लोग मत बटिए, आप लोग छात्र हैं, केवल छात्रों की भावनाओं को समझिए। यहाँ पर अगर छात्र आपके बीच में आया है, हम आप उसके साथ उसके हर कार्यों में सहयोगी हैं और उसके बौद्धिक विकास की कामना करते हैं। अपने बड़े भाइयों के और WH में आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली अपनी बड़ी बहनों को मैं पुनः सादर प्रणाम प्रेषित करता हूँ। सूरज धान सिंह, उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आप लोगों के आभार और स्नेह के लिए मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ।